हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पे मैंने अभी एक ब्लॉग का एंड किया है और कुछ रेसिपी बनाई थी, तो वो वीडियो ज़रूर देखना। और यहाँ पे देखिए, बाल वाइट हो रहे हैं पता नहीं मुझे सिंदूर लगा रही उससे हो रहे कि क्या, और एक दिख रहा है ना यहाँ पे। तो अभी मैं करने बैठी हूँ ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ब्रेड पकौड़ा लिया है और ये ब्रेड भी मैंने घर पर बनाया है, जो मैंने कल के वीडियो में बताया था, तो प्लीज़ चेकआउट कर लेना। और यहाँ पर अनुज को पूछ, अनुज कैसा लग रहा है? वो अच्छा लग रहा है ना, घर का बनाया हुआ ब्रेड। और घर मैंने वो जो बड़ा का मसाला आता है ना, जो आलू चाप बोलते हैं, तो वो मसाला मैंने इसके अंदर डाल के फील करके बनाया है। ये पकौड़ा तो सब लोग बनाते हैं, बट मैंने घर में ब्रेड बना के बनाया है। और अभी से ब्लॉग स्टार्ट किया है और एक ब्लॉग एंड किया है, तो चलिए फटाफट मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, फिर और कोई रेसिपी शूट करूँगी तो आपको दिखाती हूँ। फिलहाल अभी किचन का बहुत काम बाकी है, मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ है, अभी सिर्फ ब्रेकफास्ट हो रहा है। सिर्फ झाड़ू पोछा और बाथरूम क्लीन हो चुका है, क्योंकि वो तो मेड आके करके जाती है। और यहाँ पर कुछ पार्सल्स रखे हैं जान देने के लिए, तो चलिए मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। गाइस, गुड इवनिंग, और अभी बज रहे 6:30, और सुबह से जो ब्लॉग स्टार्ट किया मैंने ब्रेकफास्ट का, उसके बाद कोई भी ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया। और आप सोच रहे होंगे मैंने टॉवल लगा के अभी क्यों बैठी हूँ, तो जस्ट मैंने अभी शावर लिया है, क्योंकि आज मेरे पास पैकिंग बहुत था, जो ऑर्डर्स थे वो बहुत थे, तो मैंने सोचा चलो ये मिट्टी वाला काम है, थोड़ा सा मैं करके ही शावर लूँगी। तो सुबह से पहले मैंने खाना बनाया, घर का काम किया, किचन विचन साफ़ किया, बर्तन वगैरह धोए, सारा चीज़ें साफ़ की। और अभी मैंने सारा एक लॉट जा चुका है और अभी एक नया लॉट यहाँ पे देखिए रेडी करके रखा है। मैं बैक कैमरा करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे न्यू लॉट है और नाकोमट का और स्लेट बार का उतना ही अभी स्टॉक बचा है, अभी न्यू स्टॉक आने वाला है, मैंने ऑर्डर कर दिया है। और घर में इतना सारा पसारा पड़ा है, और ये न्यू लॉट है जो अभी पैक किया, इससे पहले का जो लॉट था वो मैंने मतलब भेज दिया, वो चला गया। और ये अभी नीचे वाला जो रखा है वो अभी 8 बजे जाएगा, और ऊपर वाले में अभी जो अलग अलग कुरियर कंपनी होते हैं तो उनका जो है अभी उनका 10 पैकिंग है, तो वो अभी बाद में मैं करूँगी। तो इसीलिए मैंने सुबह से मतलब वही ब्रेकफास्ट किया, खाना बनाई, और उसके बाद से थोड़ा सा किचन साफ करना था, प्लेटफॉर्म वगैरह धोना था और किचन की डस्टिंग करनी थी, तो ये सारी चीज़ें मैंने कर ली थी। लादी और बाथरूम तो सुबह ही हो जाता है 9:30-10 बजे तक, लेकिन बाकी का काम मुझे करना पड़ता है। तो अभी हेयर वॉश किया है मैंने, और भी सीरम लगाना बाकी है, तो अभी मैं पहले अभी लेके बैठी हूँ चाय, गर्मा गर्म चाय, नहाने के बाद चाय की याद ज़रूर मतलब याद आ जाती है। और अभी इस समय सुबह से इतनी बारिश हो रही है कि सुबह से ऐसा लग रहा है ना शाम हो गई है, धूप तो निकला ही नहीं, धूप बिल्कुल भी नहीं निकला, इतनी बारिश हो रही है। तो अभी मैं चाय पीऊँगी और उसके बाद से अभी 2-3 पैकिंग अभी है, 2-3 अभी उसमें का तो 10 पैक है, तो अभी आधा अभी करूँगी, आधा बाद में करूँगी। और ऑर्डर्स आ ही रहे हैं नाकोमट का, जब से मैंने वीडियो अपलोड किया तब से ऑर्डर्स आ ही रहे हैं, और न्यू स्टॉक अवश्य आने वाला है, तो उसका भी वीडियो मैं एटिंग चैनल पे अपलोड करूँगी। इसकी पैकिंग वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की है, तो प्लीज़ आप चेकआउट कर लेना। तो चलिए मैं पहले चाय वगैरह पी लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको मिलती हूँ, क्योंकि रोटी सब्ज़ी बनानी है। सुबह मैंने दाल राइस बनाया था और ब्रेड पकौड़ा बनाया था, वो आपको दिखाया इससे पहले वाले ब्लॉग में गया था कि ब्रेड भी मैंने घर पे बनाया था, ब्रेड मसाला वगैरह जो भी है। तो आज मैं सोच रही हूँ मसाला बचा हुआ है तो उसे आलू के पराठे बना दिए जाएँ, तो वही आलू का पराठा ही कुछ बनाऊँगी। और वो रेसिपी क्या, इसका जो आलू का मसाला बनाया इसके इससे पहले अपलोड हुई है वीडियो, उसमें गया है, तो आप लोग वो चेकआउट कर लेना, लिंक मैं दे दूँगी। तो सिर्फ अभी आटा सान के आलू का पराठा बनाना है, तो बस वही बनाऊँगी और कुछ भी नहीं बनाऊँगी। सब्ज़ी वगैरह देखेंगे क्या बनाना है क्या नहीं, लेकिन वैसे तो आलू के पराठे के साथ कोई सब्ज़ी तो नहीं चाहिए रहता, दही और अचार ही अच्छा लगता है, और मक्खन बटर जो भी बोलते हो आप लोग वो अच्छा लगता है, तो देखती हूँ वही आलू का पराठा ही बनाऊँगी। तो चलिए मिलते हो आपको थोड़ी देर बाद। वेलकम बैक टू माई चैनल। और रात के बज रहे हैं 3:10, 3:06 हो रहा है, और मॉर्निंग में है जीवदिया का व्रत। तो हमारे यहाँ सुबह ना मतलब जो तरोई की भाजी होती है वो, और पराठे और दही चूड़ा निकाला जाता है पितृ को, और यहाँ पे दही चूड़ा खाया भी जाता है,
यहाँ पे देखिए मैं दही चूड़ा खा रही हूँ, मतलब चूड़ा मतलब पोहा होता है, उसको धो के उसमें दही और चीनी डाल के खाया जाता है और फिर साथ में नारियल पानी पिया जाता है। तो अभी मैं कर रही हूँ मतलब क्या बोल सकते हैं जो दही चूड़ा खाते हैं। तो चलिए फटाफट मैं खा लेती हूँ और उसके बाद से जैसे यहाँ पे मैं रखती हूँ और यहाँ पे मैं खाती हूँ। तो अभी सुबह के 3:30 बजे तो नहीं जाएगा, मैं सोई नहीं बिल्कुल, लेकिन तो भी खा लेती हूँ। मैं इसको गिम्बल पर लगा देती हूँ। दही चूड़ा और नारियल भी पानी पी लिया और जो निकालना था वो मैंने निकाल दिया। तो अभी जा रही हूँ सोने और मैं आज हॉल में ही सो रही हूँ क्योंकि बच्चे बाकी तीनों जन अंदर सोए हैं। अगर मैं अंदर से उठ के आती तो वो मतलब सामान इधर उधर करती तो बच्चे जग जाते, तो इसलिए मैं यहाँ पे सोफे पे ही बैठी थी। क्योंकि मैं सो जाती तो 3 बजे नहीं उठ पाती, इसके लिए जगी थी, वीडियोस देख रही थी, इंस्टाग्राम देख रही थी, यही टाइम पास कर रही थी। खाना पीना खाने के बाद मतलब मैंने 11:30-12 बजे तक मैंने खाना खा लिया था, लेकिन फिर 3 घंटे बाद उठना था इसके लिए वापस मैं नहीं सोई। तो इसके लिए अभी सुबह सोऊँगी, फिर सुबह उठूँगी, घर का काम है, पैकिंग है, सारी चीज़ें करनी है। और एक्चुअली मुझे पता भी नहीं चला कि जूतिया का उपवास कल है, मुझे नहीं पता चला, बाद में मुझे पता चला कि जूतिया का उपवास कल है। जैसे आज 29 है, आज 29 को जूतिया का उपवास था, मुझे पता भी नहीं था, बाद में मुझे पता चला। तो बाकी वैसे तो नॉर्मली नहा धो के जो खाना पीना खाना रहता वो तो मैंने खा लिया था, ऐसा कुछ था नहीं। और जो खाली जूतिया का जो माला है वो मैं नया करके नहीं लाई हूँ, तो वो तो कल भी हो जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है क्योंकि वो परसों लगेगा। तो अभी इसलिए खाते हैं ना कि ताकि ये जो 12 घंटे 24 घंटे और अभी नेक्स्ट डे मतलब पूरी रात फिर दूसरे दिन कितने बजे पारण है ये भी नहीं पता कि कितने बजे पारण होगा। इसीलिए जैसे वो सरगी वगैरह करते हैं ना वैसे इसमें भी मॉर्निंग में 3 बजे उठ के थोड़ा बहुत खा लेते, नारियल पानी पी लेते, बहुत लोग चाय पी लेते, तो बट मुझे खाने का इतना मन नहीं था क्योंकि 3 बजे इतना मन नहीं होता, मैंने रात के 12 बजे ही खाना खाया था। तो भी थोड़ा सा जो नाम रहता है वो मैंने कर लिया, दही चूड़ा शक्कर खा लिया, एक नारियल पानी पी लिया और अभी जा रही हूँ सोने क्योंकि बहुत बेकार नींद आ रही है मुझे। नींद तो मुझे पहले ही आ गई थी, खाना खाई थी, थोड़ा सा 10 मिनट सोई फिर उठ गई और तब से उठी हूँ। मैंने सोचा कि अभी सो जाऊँगी तो सो ही जाऊँगी, फिर निकाल नहीं पाऊँगी खाना और जो खाना है वो खा नहीं पाऊँगी, तो इसके लिए तो अभी जा रही हूँ सोने। तो आप सबको गुड नाइट बोल देती हूँ, रात के 3:30 हो चुके हैं। धीरे धीरे खा रही थी, जा नहीं रहा था अंदर तो अभी खा रही थी, मतलब खाऊँगी तभी कल काम कर पाऊँगी क्योंकि निर्जला व्रत होता है ना जूतिया का। आप लोग कौन कौन किसका किसका जूतिया का व्रत रहता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी सुबह तो बहुत तैयारी है, मतलब इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं रहता है, नया कुछ नहीं करते क्योंकि पितृ पक्ष में पड़ता है ना, ये नया कुछ भी नहीं करते और ये बेटे बच्चों के लिए होता है। तो कौन कौन जूतिया का व्रत करता है प्लीज़ बताना और आप लोग कैसे करते हो। हमारे वहाँ तो वो सतपुतिया का भाजी बोलते हैं, यानी उसको क्या तरोई बोलते हैं, सतपुतिया का भाजी रात को ही बना देते हैं, पराठा बना देते हैं, दाल चावल बना देते हैं, कोई पूड़ी बनाता है, लेकिन हमारे यहाँ पराठा ही बनाया जाता है जो ट्रायंगल वाला पराठा होता है। तो वो अपना साफ खाना निकाल देते हैं, बाकी का खाना खाते हैं और सुबह वही खाना बाहर पत्ते पे जो सतपुतिया का जो पत्ता होता है, तरोई का जो पत्ता होता है, उस पत्ते पे ले जाके बाहर रख के आते हैं। मैं बाहर तो नहीं गई लेकिन यहीं पे मैंने रख दिया और सुबह उसे डाल देंगे। और बाकी का दही चूड़ा मैंने खा लिया और नारियल पानी पी लिया। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा थकी, आप ये देख सकते हैं लाल लाल हो गई है मेरी, बहुत नींद आ रही है मुझे, तो अभी जा रही हूँ सोने। आप सबको गुड नाइट, मिलते हैं मॉर्निंग में, ठीक है, बाय बाय। हेलो गाइस, और ये जूतिया के नेक्स्ट डे वाला ब्लॉग है क्योंकि मैंने जूतिया के दिन का कोई ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो यहाँ पे बना रही हूँ ड्राई फ्रूट लड्डू। एक लड्डू की रेसिपी ऑलरेडी मैंने
जो शुगर फ्री है वो मैंने आपके साथ शेयर की है, बट आज मैं इसको जैगरी से बनाने वाली हूँ, यानी गुड़ से बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं तिल रोस्ट कर रही हूँ, जो सफ़ेद तिल होता है, आप काला और सफ़ेद दोनों मिक्स कर सकते हो, मैंने सिर्फ सफ़ेद लिया है। और इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, सूखा ही रोस्ट करेंगे। और आज मैंने खुले चौड़े बर्तन लिए हैं, और साथ में मैंने अभी वो तिल को निकाल के मैंने घी डाल दिया है। और यहाँ पे सारे मिक्स जो ड्राई फ्रूट है, जैसे आप अपने हिसाब से सारे ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, पीनट्स ले सकते हो, बट मैंने पीनट नहीं डाला है। मैंने किशमिश, काजू, बादाम, अंजीर, अखरोट, ये सारी चीज़ें ली है। और क्या दूसरा एक ऐसा गोल गोल होता है, क्या एप्रिकॉट लिया है मैंने इसके अंदर, पिस्ता वगैरह, ये सारा मिक्स फ्रूट पैकेट आता है ड्राई फ्रूट का, तो मैंने वो सब डाला है। आप अपने हिसाब से जो चाहिए वो डाल सकते हो। और नारियल डाला है सूखा। आप इसमें गोंद, मेथी, जो डिंग की लड्डू बोलते हैं ना, वो आप सेम ऐसे ही बना सकते हो। तो यहाँ पे देखिए इसको मैं भून रही हूँ अच्छे से, मतलब एकदम जलाना नहीं है, और किशमिश का कलर भी नहीं बदलना है, क्योंकि आपको पता है तेल में जाने से किशमिश फूलने लगता है, तो वैसा नहीं चाहिए हमको। हमको सिर्फ ना इसका जो इसमें जो मॉइस्चर रहता है ना वो निकालना है, और इस पे घी की कोटिंग अच्छे से हो जाए, ताकि ये लड्डू अच्छे से आप स्टोर कर सको। वैसे ड्राई फ्रूट लड्डू बहुत टाइम तक रहता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, ड्राई फ्रूट लड्डू जब बनाते हैं और वो अच्छे से रोस्ट नहीं हुआ रहता है ना, तो उसमें कीड़े लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसके लिए तो यहाँ पे देखिए मैं इसको अच्छे से भून लूँगी, मतलब इसको भूनते भूनते मुझे 5 से 10 मिनट हुआ था, और एकदम लो टू मीडियम भी नहीं था, लो फ्लेम पे ही मैं इसको भून रही हूँ, ज़्यादा नहीं ये कर रही हूँ। तो इससे पहले वाली जो जिन्होंने लड्डू की शुगर फ्री की नहीं देखी है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, तो प्लीज़ चेकआउट कर लेना। वो लड्डू की रेसिपी मेरे इस पर है, फूड मूड पर है, तो वहाँ पर चेक कर लेना। और यहाँ पर देखिए ये हो गया है, तो मैं इसे अभी निकाल दूँगी, और निकालने के बाद से इसमें मखाने में फ्राई कर लूँगी। मखाने थोड़े कम थे, मैंने इसलिए थोड़ा सा कम लिया, आप चाहिए तो ज़्यादा मखाने की क्वांटिटी रख सकते हो, जैसे हमने जितना ड्राई फ्रूट लिया उतना मखाना आप ले सकते हो। तो यहाँ पे इसको अच्छे से भून लूँगी, और ऐसे भून के ना आप डब्बे में भी स्टोर कर सकते हो, नमक डाल के, और चाय के साथ आप खा सकते हो एज अ स्नैक्स। तो फिर इसे भी मैं निकाल लूँगी, ये भून चुका है। आप देखिए मखाने भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हार्डली 5 मिनट लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे अच्छे से भून लिया है, आप देख सकते हो कलर थोड़ा सा ब्राउनिश हो रहा है। तो अभी मैं इसको निकाल दूँगी, और मेरा फ्लेम अभी भी लो ही है, लो टू मीडियम नहीं, एकदम लो है। और अभी मैं इसको निकाल के प्लेट में ठंडा कर लूँगी ड्राई फ्रूट को, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने दोनों को अलग अलग रखा है। तो यहाँ पे देखिए मखाने मैंने और ड्राई फ्रूट एक साथ रखे हैं, तिल अलग रखा है। साथ में अभी फिर से सेम पैन में जितना घी था उतने में ही मैं अभी गुड़ डाल दूँगी। इसमें मैंने 1 कप गुड़ लिया है, आप गुड़ की मात्रा कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो, यानी आपकी चॉइस होती है कोई रेसिपी बनाना कि आपको कितना ज़्यादा चाहिए कितना कम चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो रेसिपी मैं बता रही हूँ कि आपको उसी हिसाब से बनाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने मर्ज़ी के मालिक हो, चाहिए तो आप सिर्फ काजू का बना सकते हो, सिर्फ बादाम का बना सकते हो, या टोटली मिक्स बना सकते हो। आप उसमें गोंद डाल सकते हो, गोंद क्या गोंद बोलते हैं, डिंग बोलते हैं, जो भी बोलते हैं आप वो डाल सकते हो, मेथी डाल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप डाल के अपने हिसाब से कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए गुड़ मेल्ट हो गया है, और ये चिक्की गुड़ है, मतलब जो चिक्की के लिए गुड़ आता है ना, जिसमें अच्छी बाइंडिंग होती है। बहुत तरीके के गुड़ आते हैं, जो सफ़ेद गुड़ रहता है उसमें बाइंडिंग नहीं होता, तो आप प्लीज़ आप वो यूज़ ना करें, क्योंकि बाद में आप लड्डू बनाओगे तो खुल जाएगा। जो ऐसे थोड़े डार्क शेड में रहते हैं, आप शॉप पर जाओगे तो उनको बोलना चिक्की गुड़ देने के लिए, तो वो चिक्की गुड़ ही देंगे, तो इसमें बाइंडिंग अच्छी रहती है। तो यहाँ पे देखिए मैं ये ठंडा हो गया था, तो मैंने मिक्सी ग्राइंडर में मैंने पीस लिया था, आप देख सकते हो मैंने कोर्स ग्राइंड किया है, एकदम पाउडर नहीं किया है। साथ में मैंने इलायची पाउडर डाला है, लास्ट टाइम मैंने इलायची पाउडर नहीं डाला था, बिना इलायची पाउडर का डाला था, मतलब बिना इलायची पाउडर का बनाया था। और यहाँ पे देखिए मिक्स कर दूंगी, ये लड्डू थोड़ा सा ज़्यादा स्वीट होगा पहले वाले लड्डू से, क्योंकि पहले वाला लड्डू मैंने खजूर से बनाया था। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, मतलब पूरा गुड़ एक ही में मिल जाएगा, और थोड़ा सा इसमें 1/4 कप मैंने घी डाला है, क्योंकि ये जो लड्डू बना रही हूँ थोड़ा सा घी ज़्यादा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और सीरियसली गाइस, ये लड्डू बहुत ही टेस्टी बना था, एडिटिंग में बाद में करी क्योंकि मैंने इसको खाया है। इस लड्डू को खा के जिनका वेट नहीं बढ़ रहा है, जिन बच्चों का, तो उनको आप एक लड्डू दे के, एक ग्लास दूध दे के आप उनका वेट बढ़ा सकते हो। और मतलब
प्रोटीन लड्डू है, आप बड़े छोटे कोई भी खा सकते हैं और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लाइट का थोड़ा इशू हो गया था तो इसीलिए आपको थोड़ा सा ब्राउनिश दिख रहा है, बाकी जो पहले था उसमें मैंने लाइट लगाया था, इसमें नहीं लगाना, भूल गई मैं। तो यहाँ पे देखिए मैं फटाफट लड्डू बना रही हूँ और आपको 3-4 लड्डू बनाऊंगी, बहुत अच्छे से बाइंडिंग हो जाती है। साइज अपने हिसाब से आप रख सकते हो, इसे आप चाहिए तो चिकी फॉर्म में काट सकते हो, जैसे ट्रे में बिछा के उसको अच्छे से सेट करके और बाद में आप चिकी फॉर्म में काट सकते हो, बट मैंने लड्डू के फॉर्म में काट, तो चॉइस आपकी होगी आपको कैसे बनाना है कैसे नहीं। और छोटे बड़े जैसे जी एक्चुअली जो ड्राई फ्रूट लड्डू होता है वो मीडियम साइज़ का ही बनाया जाता है। अगर ड्राई फ्रूट लड्डू ज़्यादा बड़ा एक ही बार में हम लोग खा लेंगे तो हो सकता है कि हमें पेट में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसकी जो तासीर होती है काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है, इसीलिए ड्राई फ्रूट ज़्यादा ही मतलब हैवी होता है, तो इसीलिए उस हिसाब से ही आपको मतलब इस लड्डू को बनाना है। तो यहाँ पे देखिए सारे लड्डू बन के रेडी है और कुछ वेजिटेबल नेक्स्ट डे मैंने लाया था मॉर्निंग में, यानी ये ब्लॉग 3-4 दिन से चल रहा है, ज्योतिया से स्टार्ट किया था, जो ज्योतिया के एक दिन पहले से स्टार्ट किया था मैंने ब्लॉग और इसके 3-4 दिन से चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए सब्जियाँ मैंने यहाँ पे सुखाने के लिए रखी है और यहाँ पे देखिए बैंगन आलू की सब्ज़ी बनाई थी मैंने और साथ में लाल साग बनाया था मैंने, यहाँ पे देख सकते हैं। और मैंने पराठे बनाए थे, पराठे और चपाती, क्योंकि मैं बिना घी का और तेल का चपाती खाती हूँ, तो यहाँ पे मैंने फुलके बनाए थे और पराठे बनाए थे और साथ में मैंने राइस रख दिया था। तो ये सारी चीज़ें मैं शूट करके बता रही हूँ कि नेक्स्ट डे मैंने कितना खाना बनाया था। और भी मीशो से मेरा पार्सल आया है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। मीशो से कुछ कुर्ती मंगाई थी मैंने, तो यहाँ पे देखिए इसकी मतलब अनबॉक्सिंग कर रही हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा एड्रेस मैं हाइड कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये कुर्ती काफ़ी क्वालिटी में बेस्ट था, ये मुझे 310 का पड़ा है ये कुर्ती, 310 में। इसका लिंक तो नहीं होता, इसका कोड रहेगा तो मैं डाल दूँगी, तो प्लीज़ चेकआउट कर लेना। और इसका जो मटेरियल था बहुत ही अच्छा था, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा था, मैं आपको क्लोजअप करके दिखाती हूँ। और मैं एल साइज़ पहनती हूँ, मैं थोड़ा लूज़ पहनती हूँ कपड़े, जो मेरे ब्लॉग फॉलो कर रहे सबको पता होगा कि मैं कपड़े बॉडी फिटिंग नहीं पहनती, मैं हमेशा लूज़ ही पहनती हूँ। और ये देखिए मटेरियल इतना सॉफ्ट था, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था। तो मैंने दो कुर्ती मंगाई थी, मैं दिखाती हूँ आपको दूसरा भी। तो ये एक हो गई, ये 310 की थी और ये 280 की थी ये वाली कुर्ती। इसका मटेरियल तो और भी अच्छा था और इस पर जो कढ़ाई जो की थी, एम्ब्रॉयडरी जो की थी वो भी बहुत अच्छा था। यानी मीशो पे है ना आपको बहुत से अच्छे अच्छे मतलब कम प्राइस में आपको मिल जाता है, जैसे कुर्तीज़ वगैरह चाहिए। ये भी एल साइज़ है, 40 साइज़ है। अच्छा हाँ, इनका जो साइज़ होता है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जैसे आप एल ले रहे हो ना तो एक्सेल में मिल जाता है ये आपको। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा लूज़ हो रहा था तो मैंने थोड़ा सा स्टिचिंग कराया है इसको। तो यहाँ पे देखिए इसका भी मटेरियल बहुत अच्छा था, तो चलिए इसका लिंक और कोड डाल दूंगी, मिलती हूँ थोड़ी देर में। Hey guys, good morning. और अभी सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ जब देखो तो फ्लैश लाइट चालू हो जाता है। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पे मैंने पैरों की पट्टी निकाल के रखने जा रही हूँ, क्योंकि बैठ रही हूँ उठ रही हूँ तो लग रहा है। और ये देखिए मंथली आ गए मेहमान आ गए, तो मैं इसे रख देती हूँ पहले इसमें। रखो, मैं ना बैठ रही हूँ ना तो पैरों में लग रहा है पट्टी, तो अभी फिलहाल ऐसे ही रख देती हूँ, एक मिनट रुकिए। तो चलिए, और यहाँ पे देखिए मीशो से मेरा एक पार्सल आके रखा है, इससे पहले भी दो टॉप आया था, ये एक्चुअली लंच बैग मैंने मंगाया क्योंकि मुझे जाना है गाँव, तभी मैंने बैग छोटू सा मंगा लिया, इसमें छोटी छोटी मोटी चीज़ रखने के लिए। पैकिंग आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या क्या लेके जा रही हूँ, और ये ब्लॉग का एंड भी करना था मुझे। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स इसको रख देती हूँ किचन में, सारा खाली करना है। और अभी बनाने जा रही इडली चटनी, तो यहाँ पे इडली का आटा लगा दिया है, गले में काफ़ी खराश हो रही है। मैं 2 मिनट बैठ जाती हूँ, वीडियो का एंड कर देती हूँ, फिर न्यू ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो आप लोग का कैसा जा रहा है? और आपने देखा मैंने ड्राई फ्रूट लड्डू बनाए थे और साथ में मैंने खाना अपना जो भी खाना था वो शेयर किया, और ज्योतिया का जो फास्ट था वो पूरा कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मुझे फीवर और ये सारी चीज़ें हो जाती है। ज्योतिया का व्रत ही मुझे थोड़ा सा लगता है, जैसे हमारे में बोलते हैं ना कि कोई त्यौहार आपको लगता है, तो वैसे ज्योतिया का व्रत मुझे लगता है। तो इसके लिए, और वहाँ पर रिटर्न का पार्सल है, 4 पार्सल इस बार मेरे इतने टाइम में ये 4 पार्सल रिटर्न आया है, जो सामने से पिकअप वो लोग ने मतलब उन लोगों ने लिया नहीं, तो इसकी वीडियो भी एक अलग बनानी है मुझे अभी। और अभी पार्सल पैकिंग करना है,
सारी चीज़ें हैं अभी ब्रेकफास्ट, और मेड को मैंने निकाल दिया है, अभी न्यू मेड ढूंढ रही हूँ क्योंकि उनका काम मुझे नहीं जम रहा था और पैसे भी फालतू जा रहे थे। तो देखिए होता है, वो बहुत लोगों को जमता है, बहुत लोगों को नहीं जमता है। वैसे वो कुछ बोलती बिलती तो नहीं थी, अच्छी थी, लेकिन काम ही मुझे नहीं जम रहा था थोड़ा सा, इसके लिए मैंने भी निकाल दिया। तो चलिए अभी ये ब्लॉग का एंड करती हूँ और न्यू ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। आपको रेसिपी लड्डू की कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना, और मीशो का जो भी है कोड है कुर्ती का, तो मैं कोड डाल दूँगी, तो आप लोग प्लीज़ चेकआउट कर लेना। तो और क्या, और कुछ नहीं। तो चलिए अभी चाय वाय पी के हो गया है, अभी जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने। तो इडली बनाऊँगी, इडली और डोसा चटनी, मतलब नारियल की चटनी बनाऊँगी। नारियल की चटनी की रेसिपी ऑलरेडी मैंने बहुत बार शेयर की है। डोसा बैटर मैं कैसे भिगाती हूँ अलग अलग तरीके से, दो तीन तरीके तो मैंने बताए हैं आपको, तो यही सब है। तो चलिए फटाफट मैं अभी करती हूँ इस ब्लॉग का एंड और नया ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। और जो चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन हिट कर दे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको पहले देखने को मिले। और बाकी चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ चेकआउट कर लेना। और इस बार तो ज़्यादा ही हो गया, मैं क्या करती हूँ ना, इसे नाखून लगाने लगती हूँ, इसकी वजह से ऐसा हो गया। अभी हेयर मास्क भी लगाना है मुझे, लास्ट टाइम मैंने बताया था कि वो हेयर प्रोडक्ट मैंने मंगाया है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो अभी हेयर मास्क भी लगाना है। आज तो बहुत काम है, कुछ भी काम मैंने नहीं किया सुबह से, और ये ब्लॉग आज ही जाएगा, और आज है संडे, ये ब्लॉग आज ही जाएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, और जैसे से मैंने बोला, जैसे न्यू लोग है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन हिट कर दे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे चैनल का लिंक है। रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ एक कमेंट कर दे, आप एक कमेंट और एक लाइक करते हैं ना तो थोड़ा हम लोग को अच्छा लगता है, तो इसीलिए आप लोग प्लीज़, और डिसलाइक कर रहे हैं वो भी कमेंट करके बता दीजिए कि आपको इसमें क्या अच्छा नहीं लगा, तो मैं थोड़ा वो सुधारने की कोशिश करूँगी। आप लोग बोलते हो तो मैं उसको थोड़ा सुनती हूँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं डायरेक्ट ये करती हूँ। तो प्लीज़ यही सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग बता दिया कीजिए कि डिसलाइक क्यों कर रहे हैं और इसमें क्या चीज़ आपको नहीं पसंद आई, ठीक है। तो मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, बाय बाय, लव यू ऑल।